ये है ब्लू प्योर 211 एयर प्यूरिफायर का पूरा रिव्यू, देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है ब्लू प्योर 211 एयर प्यूरिफायर और ये है इसका बॉक्स पैक। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये एयर प्यूरिफायर, यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड। ये एयर प्यूरिफायर का बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है और इसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बस एक बटन है, उसे प्रेस करना है, बस इतना ही। ये जो एयर प्यूरिफायर है ये हर जगह से हवा को अपने अंदर खींच लेता है, उसे प्यूरिफाई करता है और ऊपर से छोड़ देता है। इसमें दो कंपार्टमेंट है, ऊपर जो है वो फ़ैन है और नीचे उसका फिल्टर है। यहाँ पर एक बटन है दोनों साइड्स पर, उसको आप प्रेस करेंगे तो फ़ैन को आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये है इसका फ़ैन और जो नीचे रह गया है वो है फिल्टर। तो हवा चारों तरफ से इस फिल्टर के थ्रू आती है और ये फ़ैन के ज़रिए फ़िल्टर होके ऊपर से निकल जाती है। तो आपको ये क्लोज़र लुक दिखा देता हूँ इस फ़िल्टर का। तो ये है फ़िल्टर और इसके ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ है और इस कपड़े को आप वॉशिंग मशीन में डायरेक्टली धो भी सकते हैं। कपड़े के अलावा जो भी आप देख रहे हैं, ये जो बॉक्स है ये टोटल फ़िल्टर है और जब कभी आपको फ़िल्टर रिप्लेस करना है तो ये पूरा का पूरा बॉक्स आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये जो एयर प्यूरिफायर है ये 540 स्क्वायर फीट रूम के लिए परफेक्ट है और ये एक घंटे में 5 बार हवा को चेंज कर लेता है। अब सवाल ये आता है कि ये एयर प्यूरिफायर करता क्या है और इसे क्यों खरीदना चाहिए। जितने भी एयर प्यूरिफायर होते हैं ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं, मतलब कि डस्ट, स्मोक, पोलन और अन्य छोटे छोटे पार्टिकल्स को ये फिल्टर आउट कर देते हैं, तो आपको मिलता है एक साफ सुथरी हवा। ये है फिल्टर का फ़ैन, देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्पेस ले लेता है और जो बाकी बच गया है ये है फिल्टर। इस एयर प्यूरिफायर का जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो है 30 वॉट से लेकर 61 वॉट्स तक, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्पीड पर इसे चला रहे हैं। ये है एयर प्यूरिफायर का बटन और इसका ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है, आपको इसे एक बार प्रेस करना है। एक बार प्रेस कीजिए ऑन करने के लिए, फिर से प्रेस कीजिए स्पीड बढ़ाने के लिए और फिर से प्रेस कीजिए मैक्सिमम स्पीड के लिए। देखिए एक टाइम मैंने प्रेस किया है, थोड़ा सा लाइट जल चुका है, फिर से मैंने प्रेस किया है और लाइट जल गया है और फिर से आप प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा लाइट सर्कल में जल जाता है। तो इससे आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि जो फ़ैन है वो कौन से स्पीड पर चल रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, नीचे से जो हवा है उसे ये एयर प्यूरिफायर खींच लेता है और ऊपर से हवा को साफ़ करके फेंक देता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है और इसका जो फ़िल्टर रिप्लेसमेंट है वो आपको 6 या 7 महीने के बाद रिप्लेस करना पड़ेगा। इस बटन के बाजू में जो लाइट है जब वो ब्लिंक करना शुरू हो जाता है, मतलब कि आपको फ़िल्टर रिप्लेस करना पड़ेगा। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मैं नवी मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पर पॉल्यूशन का ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन डस्ट का कुछ हद तक प्रॉब्लम है और ये तब होता है जब हमारे पड़ोसी अपने घरों पर सिविल काम करते हैं। बहुत ही रेयर है लेकिन होता है। तो मैंने इस प्यूरिफायर को अपने रूम में 1 हफ्ते तक इस्तेमाल किया था। पॉल्यूशन और डस्ट का तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रूम में एक अलग ही फ्रेशनेस का मुझे एहसास हुआ और रूम में कभी कभार एक बदबू आती है उसे इस एयर प्यूरिफायर ने कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया था। तो अगर आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप ये एयर प्यूरिफायर के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये प्यूरिफायर इंडिया में अवेलेबल है और इसकी कीमत है तकरीबन 22,000 रुपये के आसपास और इसका जो फ़िल्टर है उसे रिप्लेस करने के लिए आपको लगेंगे तकरीबन 7,000 रुपये के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।